नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से। खबर है जहां पर राजधानी में पुलिस स्मृति दिवस परेड का अब आयोजन किया जाएगा। शहीदों की स्मृति में कार्यक्रम चौथी वाहिनी छसबल माना में सुबह कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल होंगे। राज्यपाल 1 सितंबर 2020 से 31 अगस्त 2021 तक प्रदेश में शहीद हुए 32 पुलिसकर्मियों के परिजनों से भेंट करेंगे और परेड की सलामी देंगे। बता दें कि 31 अक्टूबर 1959 को भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने लद्दाख में चीनी आक्रमणकारियों का अत्यंत शौर्यपूर्वक मुकाबला करते हुए शहादत का इतिहास रचा था और इसकी स्मृति में संपूर्ण देश में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दिलीप साहू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दिलीप, आज पुलिस स्मृति दिवस है, ऐसे में क्या कुछ बड़े कार्यक्रम आज होने वाले हैं? हाँ जी वर्षा, बताना चाहेंगे 21 अक्टूबर यानी आज भारतीय जो पुलिस जवान हैं उनके शौर्य के स्मृति का दिवस है आज और उनके शौर्य का गाथा का अलग इतिहास रहा है क्योंकि आज पूरे देश भर में स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में रायपुर की बात करें तो राजधानी रायपुर से लगा हुआ माना क्षेत्र है जहाँ पर चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ बटालियन की बटालियन है, वहाँ पर परेड ग्राउंड में एक बड़ा आयोजन किया जा है जिसमें प्रमुख रूप से जो शहीद परिवार है, 32 शहीद जवान हुए हैं इस दरमियान, तो उन जवानों के परिजन भी शामिल होंगे। साथ ही साथ इसमें राज्यपाल अनुसुईया उइके जी, इनके अलावा जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत संसदीय सचिव और तमाम आला अधिकारी पुलिस के मौजूद रहेंगे। और इस दौरान जो 21 अक्टूबर 1959 का जो ऐतिहासिक घटना हुआ था जिसमें भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने जो चीनी आक्रमणकारी थे उनके साथ शौर्यपूर्वक मुकाबला करते हुए शहादत दी थी, इसकी याद में स्मृति दिवस का आयोजन किया जाता है। और इस दौरान पुलिस परेड होगा और जवानों द्वारा विभिन्न कर्तव्य भी दिखाए जाएंगे, साथ ही साथ जो हवाई फायर करके उनको सम्मानित किया जाएगा। और इस दौरान जो खास करके छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ क्योंकि नक्सल प्रभावित एरिया है और यहाँ पर लगातार नक्सलियों और पुलिस के बीच होने वाले मुठभेड़ में पुलिस जवानों की शहादत होती रही है, इसलिए इस दौरान जो 32 परिवार है अभी साल भर के दौरान जिन जवानों ने शहादत हुई है उन जवानों के परिजनों को सम्मानित भी किया जाएगा, उन्हें बुलाया गया है और उन्हें एक सम्मान राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो ओवरऑल ये जो पूरा कार्यक्रम है पुलिस जवानों के शहादत और पुलिस जवानों को जो वीरता है, उनका शौर्यगान है, उनकी जो इतिहास है, इनको याद किया जाएगा और उनकी याद में ही ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जी बिल्कुल दिलीप, अगर बात की जाए इस कार्यक्रम की तो कितने बजे से ये कार्यक्रम होगा और ऐसे कौन से बड़े नेता है जो इसमें शामिल होंगे, साथ ही साथ जो शहीदों के परिजनों से सीएम भूपेश बघेल मुलाकात करेंगे, ऐसे में क्या कुछ सहायता या फिर भेंट के तौर पर उन्हें क्या कुछ दिया जाएगा? जी वर्षा, ये जो कार्यक्रम है सुबह 9 बजे से शुरू होगा और 10:30 बजे तक चलेगा। पहले राज्यपाल जी जैसे ही पहुंचेंगी वैसे ही राष्ट्रगान के साथ परेड की सलामी होगी और परेड होने के बाद फिर ये कार्यक्रम आयोजित सिलसिलेवार चलेगा जिसमें जो 32 जवान हैं जो शहीद हुए हैं इस दौरान उनके परिजनों को बारी बारी उनसे मुलाकात करेंगे और उनकी जो शहादत है उनको भी व्याख्यान किया जाएगा कि किन परिस्थितियों से लड़ते हुए शहीद हुए, इनकी भी व्याख्या की जाएगी। और इसके साथ ही साथ जो उनके परिजन हैं उनसे मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री स्वयं और उन्हें फिलहाल तो जो सम्मान स्वरूप साल और जो स्मृति चिन्ह है वो भेंट किए जाएंगे। इसके अलावा जो भी पुलिस जवान जो शहादत होते हैं नक्सली क्षेत्र में उनके लिए सरकार के द्वारा घोषित रूप से एक बड़ी रकम दिया जाता है, वो तो उनको मिलना ही है, उसमें कोई दो मत वाली बात ही नहीं है, लेकिन आज जो सम्मान है ये बड़ी चीज है क्योंकि
जवानों के परिजनों को, जो उनके जवान शहीद हुए हैं उनके वीरता के लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है। ये अहम बात होती है क्योंकि आमतौर पर ये शिकायतें आती हैं कि जो जवानों ने अपनी कुर्बानी दी है उन्हें या उनके परिजनों को भुला दिया जाता है। ये शिकायत रहती थी, इन शिकायत इस तरह की शिकायत कम से कम ना हो, जवानों के परिजनों को ऐसा सम्मान सम्मानित किया जाए, उन्हें याद किया जाए, उनके वीरता को याद किया जाए, ये बड़ी बात रहेगी। और प्रमुख नेताओं की बात करें तो राज्यपाल अनुसुईया उइके जी रहेंगे, इनके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के अलावा जो संसदीय सचिव है उन लोग रहेंगे, और डीजीपी, डीएम अवस्थी, आईजी सहित तमाम जो आला अधिकारी है, बड़े अफसर है, वो मौजूद रहे।